जब से तुम छोड़कर गई हो ना सावित्री, मेरा दिन ना तो कोई दिन होता है और ना ही कोई रात। उनका भी तो हक है कि रातों की चांदनी देखे। यही तुम उस टाइम पहले सोचता तो मैं खुशी से फूले नहीं समाता मेरे बेटे। भाई पापा मान गए। तू पागल हो गया क्या? मैं गर्लफ्रेंड हूँ तेरी, मैं वहाँ बदने के लिए तैयार हूँ। अंकल जी आप ये पहनो, आप इसमें ज्यादा अच्छे लगोगे। ये क्या हो रहा है सब? पापा आपकी शादी हो रही है। शादी? क्या वो मोहित? यार ऐसा लग रहा है मुझे भी किसी ने चाटा मारा। क्या हुआ भाई? मुझे भी किसी ने चाटा मारा है ना यार, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। मम्मी मोहित मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई मुझे भी बहुत डर लग रहा है। रोहित भाई ये हाथ मैंने नहीं उठाया, अपने आप उठ रहा है कसम से, देख। कोई बात नहीं ब्रो, सेम हेयर, मैं भी तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन कोई और चाहता है कि मैं तुझे मारूं। सॉरी भाई। साला हरामी, अगर आज मेरे हाथ आ जाता ना साले का हाथ उखाड़ देता, मुझे पागल बना के पूरा मेरा मुंह सुजा दिया। साला मैं कैसे चूतिया बन सकता हूँ? आज तो मजा आ गया रोहित को फेल के। ये तो पापा की रोने की आवाज है। जब से तुम छोड़कर गई हो ना सावित्री, मेरा दिन ना तो कोई दिन होता है और ना ही कोई रात। मेरे चेहरे की मुस्कान मुरझाए फूल जैसे हो गई है, जो खुशबू तो देती है मगर ताजगी नहीं देती। तुम्हारे जाने के बाद इतना अकेला हो गया हूं कि रोज रात को एक हॉरर मूवी देखकर सोता हूं, ताकि लगे कि हर पल कोई मेरे साथ है। अब मुझसे ये अकेलापन नहीं झेला जाता सावित्री, नहीं झेला जाता। या तो तुम लौट आओ, नहीं तो बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा सावित्री, तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सावित्री कोई बात नहीं भाई, होता है। अब तेरे पापा जितने बड़े भी हरामी हो, लेकिन इंसान तो है ना। क्या हुआ, आगे होगी आंटी की याद, उसमें क्या? वो बात नहीं है यार, आज मैंने अपने पापा को ऐसे रोता हुआ देखा जैसे पुरानी हिंदी पिक्चर में एक माँ अपने बेटे से जुदा होने के बाद रोती है। उनके आंसू गंगा की तरह बह रहे थे और चेहरा पुरानी हवेली पे लगे ताले की तरह लटका हुआ था। भाई मुझसे उनका हाल अब नहीं देखा जाता यार। तो फिर तो अपनी आंखें बंद कर लेना, सिंपल। तो फिर तू चाहता क्या है? मैं अपने पापा की शादी करवाऊंगा। बढ़िया बढ़िया जोक था भाई। जोक नहीं मार रहा साले, मैं सच में करवाऊंगा। अच्छा
वो तेरे बाप है ना कि तू उनका बाप है, कि तू उन्हें बोलेगा शादी कर लो वो शादी कर लेंगे। लेकिन यार उनको भी तो जरूरत है ना, कब तक मेरा बाप अंधेरी रातों में सहनसा बन के घूमेगा। उनका भी तो हक है कि रातों की चांदनी देखे और दिन का चमकता हुआ सूरज देखे। अबे गर्दन क्या हिला रहा है? हाँ बोल। मतलब मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया पर सुन के अच्छा लगा। तू कुछ मत समझ पर इतना समझ ले कि मेरा बाप फिर से जवान होना चाहता है और मैं उनका इकलौता बेटा होने के नाते उनकी शादी देखना चाहता हूँ। ये मेरा बचपन का सपना है। अबे ओए, अब तो तेरी बाप की शादी है। हाँ ब्रो, अब मेरे बाप की शादी है। Out of control, auto go karke goal. Auto go karke goal, CT baja ke bol. Life out of control. मेरा फोन। सॉरी भाई सॉरी, वो ना गलती से हाथ लग गया था। साले तूने क्या किया? पापा का कुछ मैसेज आया हुआ था, अब तो ये फोन ठीक करवाने में भी 2-3 हफ्ते लग जाएंगे। सॉरी ब्रो, अगर पापा की शादी की खुशी नहीं होती ना तो इस फोन की तरह तुझे ही फोड़ देता। अरे कब से मेरा मुंह देखे जा रहा है, कुछ बोलेगा अभी? वो मैंने तुझे मैसेज किया था, पढ़ लिया था तूने? वो फोन टूट गया पापा। अरे क्या बोल रहा है, जरा जोर से बोल। जय माता दी। अरे ये जयकारा लगाने के लिए क्या मेरे सामने बैठा है तू? वो पापा मैं ये कह रहा था कि मैंने आपको मम्मी की फोटो हाथ में लेके रोता हुआ देख लिया था। ओ अच्छा अच्छा। मुझे भी कभी कभी मम्मी की बहुत याद आती है। होता है बेटा, मुझे भी बहुत आती है। पापा आपको नहीं लगता कि मम्मी को भी हमारे साथ होना चाहिए था? अब होनी को कौन टाल सकता है बेटा। हाँ पापा, पर मैं इसलिए सोच रहा था क्यों ना कुछ ऐसा करें कि आपको और मम्मी को खुशी मिले। अच्छा ऐसा क्या सोचा तूने? मैं कह रहा था कि आप नई शादी कर लो। शादी कर लो? तू पागल हो गया क्या? तेरी मम्मी की जगह कोई नहीं ले सकता, समझा? अरे हम आईफोन की जगह एंड्रॉइड यूज करते हैं ना, थोड़े फीचर ही तो कम होते हैं पर काम तो होता है ना। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एसी की जगह पंखा, हवा तो मिलेगी। हाँ और क्या, दिल को ठंडक नहीं तो सुकून तो देगी। हाँ और क्या, कार की जगह बाइक। हाँ बिल्कुल, उससे तो पैसे भी बचेंगे। पापा आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ बेटा, मैं सब अच्छे से समझ रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है, अपनी माँ और मेरे बारे में कितना सोचने लग गया है। यही तू उस टाइम पहले सोचता तो मैं खुशी से फूले नहीं समाता मेरे बेटे। आई लव यू पापा, आई लव यू। आई लव यू बेटा, आई लव यू। अरे वाह, मेरा बेटा तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकला। मुझे ये सब करने में 2 हफ्ते लग गए थे और वो 2 घंटे में सब कुछ बोल गया। वाह मेरे बेटे वाह, आई लव यू। भाई पापा मान गए, पापा मान गए। क्या लेकिन कैसे? कैसे क्या मतलब, मैंने उनको बोला मम्मी के बाद आपको उनकी याद आती तो होगी। हाँ हाँ, तो उन्होंने भी यही बोला, तो मैंने बोला क्यों ना मम्मी की जगह पंखा लिया है। क्यों, तू अपने पापा की शादी एक पंखे से करवाएगा? अरे मेरा मतलब है मेरी मम्मी कैसी थी तो हम काम चलाने के लिए एक पंखा ले आते हैं, तो पापा ने बोला ओके 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 ओके। चलो फटाफट से एक मस्त सी मम्मी ढूंढते हैं। ओके ब्रो लेट्स गो। Thank you.
यस 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 कहिए कहिए। मुझे माँ बनना है। क्या आप लोग ही तो ये पर्चा बांट रहे थे ना कि मम्मी चाहिए, मैं माँ बनने के लिए तैयार हूँ। आप अगर माँ बनना चाहती हैं तो आपको इनकी पत्नी बनना होगा। देखना जब मैं मरूंगा ना तब मैं हंसते हुए मरूंगा, क्योंकि जीते जी मैं रोया बहुत हूँ। उठाइए ना, उठाइए। रोहित तेरे पापा का फोन आ रहा है। उठाइए ना। हाँ पापा। बेटा वो शादी के प्रोग्राम का क्या हुआ? पापा सब कुछ सही चल रहा है, हम उसी में लगे हुए हैं। शाबाश बेटा, अच्छे से करना सब कुछ, ठीक है? ओके पापा। भाई दो दिन से बैठे हैं, यहाँ आने के लिए कोई तैयारी नहीं है। लगता है मुझे अपने प्यार की कुर्बानी देनी होगी। मतलब तू पागल हो गया क्या? मैं गर्लफ्रेंड हूँ तेरी। यार वो भी तो मेरे पापा है ना, और कौन सा तू मुझसे दूर जा रही है। तो मैं तेरे पापा के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ? यार वैसे भी तो तू मेरा ख्याल मेरी माँ जैसा रखती है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुझे अपनी रियल माई बना लू। हेलो बेटा। आपकी आवाज बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। तो क्या मैं माँ बनने के लायक हूँ? बस एज थोड़ी ज्यादा है ना। अबे तू चुप कर। क्या मैं अपने होने वाले पति की फोटो देख सकती हूँ? अंकल जी आप ये पहनो, आप इसमें ज्यादा अच्छे लगोगे। नहीं नहीं पापा आप ये पहनो, आप इसमें ज्यादा अच्छे लगोगे। देखो। अरे अंकल जी आप ये पहनो ना। देखो। नहीं, ये पहनो। अरे गधो, एक दिन का तो काम है, तुम लोग तो ऐसे कर रहे हो कि मैं जैसे हमेशा यही करूंगा। सॉरी पापा। आज मेरे बचपन का सपना पूरा होगा। है? अरे पापा अब जल्दी चलो, मुहूर्त निकला जा रहा है। आधार राजकुमार। मुहूर्त? हाँ हाँ, पंडित और वकील दोनों को बुला लिया है, और अपनी मम्मी तुम्हारी दुल्हन उनको भी बुला लिया है। अब जल्दी चलो चलो आओ। अरे ये सब कौन है? अरे अंकल जी जो कुर्ता पजामा वाला है ना वो वकील है, जिसके हाथ में फाइल है वो तुम्हारी प्यारी सी दुल्हन है, जिसकी चुन्नी है ना लाल वाली वो पंडित है जो तुम्हें शादी करवाएगा। अबे क्या बकवास कर रहा है? अरे अंकल ये पंडित है, ये वकील है, ये दुल्हन है, ये हम है, और यहाँ पे आपकी शादी हो रही है। ये क्या हो रहा है सब? पापा आपकी शादी हो रही है। शादी? देखो पापा ने मुझे मारा। अजी ये क्या कर रहे हो जी आप, ऐसे कोई बच्चों को मारता है? ओ हेलो, सस्ती माधुरी दीक्षित की छठी कॉपी, ये तू क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई तुम्हारा एजी ओजी नहीं हूँ, समझी? अरे अंकल जी आपको क्या हो गया? तीन दिन पहले तो आपको शादी करनी थी। किस गधे ने कहा है मुझे शादी करनी है?
तुझे किस गधे ने कहा कि मुझे शादी करनी है? अरे पापा, आप ही ने तो मुझे कहा था कि मम्मी की याद आती है। हम मम्मी की जगह किसी और को ला सकते हैं। एसी, पंखा, आईफोन, एंड्रॉइड। आपने फोन करके भी तो पूछा था कि शादी का प्रोग्राम की तैयारी कैसी चल रही है, और आप उस दिन मम्मी की फोटो के सामने फूट फूट के रो भी तो रहे थे। अरे तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? मैं अपनी शादी की बात नहीं कर रहा था, मैं उस तेतुआराम की शादी के प्रोग्राम की बात कर रहा था। तेतुआराम, ये कौन है? अरे ये एक करेक्टर है जिसका मुझे नाटक करने को मिला था। तू क्या समझ रहा था कि मैं उस दिन तेरी माँ की फोटो के आगे रो रहा था? अरे नहीं पागल, मैं तो अपने बचपन के कलाकार को बाहर निकाल रहा था। मैं रो नहीं रहा था, मैं एक्टिंग कर रहा था। तो फिर आपने उस दिन मम्मी की जगह किसी और को अपनाने की बात क्यों की? अरे जब से तुम छोड़कर गई हो ना सावित्री, मेरा दिन ना तो कोई दिन होता है और ना ही कोई रात। मेरे चेहरे की मुस्कान मुरझाए फूल जैसे हो गई है, जो खुशबू तो देती है मगर ताजगी नहीं देती। अरे इस प्रोग्राम की रिहर्सल किसके साथ करूं? एक काम करता हूं, मोहित को बुला लेता हूं। हाँ एक सेकेंड, या मोहित 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 को मैसेज कर देता हूँ, स्क्रिप्ट भेज देता हूँ और लिख देता हूँ, ये ठीक रहेगा। हाँ मोहित, हाँ मोहित बेटा, ये मेरा नया नाटक है जिसका नाम है पापा की शादी, तो तू इसमें जो बेटा है उसके सारे डायलॉग याद कर ले, दोनों बाप बेटे मिलकर नाटक करेंगे। ओके भेज दिया। पर पापा, भले ही आप उस दिन एक्टिंग कर रहे थे पर आपकी आंखों से आंसू वो तो असली गिर रहे थे ना। मैंने आपकी आवाज में दर्द सुना था, मैंने देखा था कि आपको मम्मी की कितनी याद आती है, आपको मम्मी की कितनी कमी महसूस होती है। अरे तो क्या हो गया, कोई हमें छोड़कर चला जाए तो उसकी जगह हम किसी और को दे दें? माना कि मैं उस दिन रो रहा था, सच में रो रहा था, लेकिन वो आंसू तेरी माँ के लिए थे, ना कि इसलिए कि उन आंसुओं की बदौलत मैं किसी और को अपनी जिंदगी में आने दूं। बेटा प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है और शादी भी एक ही बार होती है। शादी जैसी चीज को कुछ लोगों ने बदनाम कर रखा है, जब मन करता है कर लेते हैं, जब मन करता है तोड़ देते हैं। मैंने तेरी माँ के साथ 7 जन्म का प्यार करने का वादा किया है और तू चाहता है कि मैं उसका साथ इस जन्म के 60 साल की उम्र में ही छोड़ दूं? नहीं बेटा नहीं, मैं आखिरी सांस तक तेरी माँ से प्यार करता था, करता हूं और करता ही रहूंगा। हे गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय, लव यू। और हाँ, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय।